आतिफ बंगश अपनी 39th एपिसोड के साथ, और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो वेब डिज़ाइनर्स और वेब डेवलपर्स जो, या कोई ऐसी कंपनीज जो अब अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए जा रही हैं, उनके लिए काफ़ी अहम हो सकती है। इसमें जो चीज़ मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जिनकी मदद से आपकी वेबसाइट में एंगेजमेंट, यूज़र एंगेजमेंट बढ़ सकती है, और जो आपके विज़िटर्स हैं वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी इस वेबसाइट के अंदर। और अल्टीमेट गोल वही होता है कि आप जो भी अपनी वेबसाइट पर अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उसके बिकने के और उसके सेल होने के या सर्विसेज लोग हासिल करने के लिए कामयाब हो जाएं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप ई बिज़नेस और इसको समझें कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनकी आपकी वेबसाइट में मौजूदगी ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले चलता हूँ मैं कि आपकी वेबसाइट में सबसे पहले मेंबरशिप सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, चाहे उसमें आप उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कि अपने यूज़र्स जो आपकी सर्विसेज में या आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके पास ऐसा ऑप्शन मौजूद होना चाहिए जिससे वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें या आपको अपना मज़ीद अपना डाटा वहाँ पर छोड़ के चले जाएं कि आप उनको कांटेक्ट कर सकें। तो इसमें दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप उसमें साइन अप या रजिस्ट्रेशन का फीचर रखें जिससे लोग आके अपना एक फॉर्म फिल करें और उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह डाल के चले जाएँ, जिनको आप बाद में अपनी प्रमोशंस या अपनी कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको सेंड कर सकें। तो इससे ये चीज़ आपके पास, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपके पास एक पोटेंशियल कस्टमर्स का लिस्ट तैयार होना शुरू हो जाएगी कि जिन जो आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद हम इसको, अगर आप कंप्लीट डेटाबेस वगैरह नहीं बनाना चाह रहे, मेंबरशिप सिस्टम नहीं बनाना चाह रहे, तो इसकी एक तरह ये भी हो सकता है कि आप कोई फीडबैक फॉर्म वगैरह अपना उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें जिससे लोग आके अपना बेसिक उस फॉर्म में कोई क्यूरी या कोई सजेशन या कोई अपने बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह छोड़ के जा सकें, जो भी उनकी लीड है, जो भी वो आपके, जिस तरह वो आपके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं उसके मतलब कोई बेसिक इंफॉर्मेशन वो छोड़ के चले जाएंगे। तो आपके पास इनका एक बेसिक डाटा आ जाएगा, ये कोई फीडबैक आ जाएगी या कोई ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर फॉर्म भी हो सकता है के जो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑनलाइन ही परचेज़ की जा सके, सिर्फ वो आपकी सर्विस लेना चाह रहे हैं और वो सर्विस डिलीवरी किसी और तरीके से डिलीवर होगी, तो आप एक फीडबैक फॉर्म या ऑर्डर फॉर्म उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे वो आपको एक ऑर्डर फॉर्म फिल कर दें जिसके बाद आप उनका मज़ीद कम्युनिकेशन जिस तरीके से भी वो कहें, ईमेल से या टेलीफोन से या फिज़िकल जो भी होगा, तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो साइन अप भी हो सकता है और साइन अप से ये होगा कि वो आप को ये मतलब कह चुका है कि आप उससे कंटिन्यूसली इन कॉन्टेक्ट रह सकते हैं बिकॉज वो आपके पास अब साइन अप कर चुका है, रजिस्टर हो चुका है। तो आप उसको इससे आगे हम जो और पढ़ेंगे उसके मतलब भी बताता हूँ कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप उसको ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, उसको कोई पोस्टल सर्विसेज से अपनी सर्विसेज भेज सकते हैं, इस तरह कोई भी प्रमोशनल मटेरियल किसी भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन आप उसको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर होने का मतलब यह है कि वो आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है। और ऑर्डर फॉर्म का ये होता है कि वो उसने अपना ईमेल छोड़ दिया, उसने अपनी क्यूरी छोड़ दी, तो अब आप उसे जब चाहें, जिस तरह चाहें, ईमेल पे या टेलीफोन पे कांटेक्ट करके मज़ीद अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से और ऑर्डर फॉर्म्स का मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें यानी कि जो B2B साइट्स होती हैं उनमें ज़्यादातर ऑर्डर फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि बिज़नेस टू बिज़नेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो बिज़नेस इंगेजमेंट के वो कोई ऑर्डर देना चाह रहे हैं। B2C में आप इस किस्म की एक जो आम हमारी नॉर्मल जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनको ले सकते हैं कि जो जैसे दराज है या कोई अमेज़ॉन है या ईबे है, इस किस्म की जो साइट्स होती हैं। खैर ये बहुत वसी पोर्टल्स हैं, ये कहीं पे B2B भी हो जाते हैं और कहीं B2C भी हो जाते हैं।
तो हम एक छोटी, जैसे आप कोई शूज़ की ऑनलाइन शॉप खोल लेते हैं या कोई आप ज्वेलरी की खोल लेते हैं, तो इसको भी हम, तो आपको ये साइनअप भी चाहिए होगा, फीडबैक फॉर्म भी चाहिए होगा, ऑर्डर फॉर्म भी चाहिए होगा, और इसको हम जब इकट्ठा करते हैं तो पूरी एक ई कॉमर्स सोल्यूशन बन जाता है, जिसमें आप वही लाइफ साइकिल है इसका सारा, कि ऐड टू कार्ट और फिर उसके बाद आप कस्टमर केयर और डिलीवरी और समथिंग एल्स, ये एंगेजमेंट होती है इस किस्म की साइट्स में। इसके अलावा अगर हम ई कॉमर्स और उसमें नहीं जा रहे, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास इंटरेक्ट रहना है, हमने एंगेज रखना है अपने यूज़र को, और अगर वो रजिस्टर हो गया है या उसने अपने आप को सब्सक्राइब करा दिया है अपनी न्यूज़लेटर के लिए, अब हम एक तीसरी चौथी चीज़ देख रहे हैं, न्यूज़लेटर सिस्टम। आपकी वेबसाइट में न्यूज़लेटर सिस्टम होना चाहिए। न्यूज़लेटर सिस्टम का फ़ायदा ये है कि आप अगर कोई उसको सब्सक्राइब करने पर राज़ी है, तो इसका मतलब यह है कि आप हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद या हर महीने बाद उसको ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें आप अपनी नई प्रोडक्ट्स के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में उसको याद दहानी भी करा सकते हैं और ऑफर्स भी भेज सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत ज़्यादा ईमेल्स भेजना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप हाफ मंथली या मंथली बेसिस पे कोई ईमेल भेजेंगे, तो उसमें यूज़र में इंटरेस्ट बाकी रहेगा, वो शायद खोल के उसको देख ले और पढ़ ले। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो डेली बेसिस पे भी भेजना शुरू कर देती हैं, वीकली या हर दूसरे तीसरे दिन, तो इसको हम इंटरनेट की दुनिया में हम इसको स्पैम भी कहते हैं। फिर क्या होगा कि इस आपकी वेबसाइट में 2-3 फीचर लाजमी होने चाहिए कि अनसब्सक्राइब का बटन लाजमी होना चाहिए। अगर आप अनसब्सक्राइब का बटन नहीं दे रहे उसमें, तो इसका मतलब आप फोर्स कर रहे हैं। तो यूज़र के पास ये ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए ईमेल के सिस्टम में, न्यूज़लेटर के सिस्टम में, कि वो उसको अनसब्सक्राइब कर सके एनी टाइम, जब भी वो चाहे। और अगर वो, क्यों ज़्यादातर लोग अनसब्सक्राइब इसी वजह से करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ईमेलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़लेटर्स या कोई ईमेल्स कर रहे हैं, अगर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद अगर कोई ईमेल कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। और इससे एक अहम चीज़ ये होती है कि जो लोग आपको, आपकी सर्विस भूल चुके होते हैं या उनको याद नहीं रही, तो उनको याद दहानी हो सकती है, तो आपकी वेब ट्रैफिक एकदम बढ़ती है जैसे ही आप न्यूज़लेटर फ्लोट करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। उसके बाद एक चीज़ आपने देखी होगी कि आप बाज़ वेबसाइट्स आपको अपना जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी सर्विसेज सजेस्ट करना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनसे रजिस्टर्ड हैं और आप, उन्होंने आपसे इंटरेस्ट वगैरह पूछा हुआ है, या आप अगर इसमें कुकीज़ वगैरह इन्वॉल्व हुई हुई हैं अपने वेबसाइट में, जिनका आपने नाम सुना होगा, इनके लिए भी लॉ है कि आप डाटा कितना फेच कर सकते हैं यूज़र का। लेकिन पाकिस्तान में हम इतनी कोई इस लॉ की प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से कुकीज़ वहाँ पे बड़ा आपको यूज़र को नहीं पता लगता कि इस वक्त आप अगर किसी वेबसाइट पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो नकल हरकत है, आपकी जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है, आपकी क्लिकिंग एक्टिविटी जो है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जबकि वेस्ट में जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो कुकीज़ की कंसेंट आ जाती है कि आप कुकीज़ रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, या डाटा लॉ जो GDPR पूरी यूरोप में और इसमें USA में है, तो उसकी कंसेंट लेना लाजमी होता है। तो यहाँ भी पाकिस्तान में इसको इतना प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, और इस वजह से आपको नहीं पता लगता कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज जो एक्टिविटी है किसी वेबसाइट पर वो रिकॉर्ड हो रही है। जब आप वो वेबसाइट्स रिकॉर्ड कर लेती हैं आपकी एक्टिविटीज़ आपके IP के थ्रू, तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम उस जगह पे जाते हैं या आप उससे रिलेटेड कहीं और भी ब्राउजिंग जा रहे हैं, तो आपको उसके बैनर्स या उसकी सजेस्टेड कंटेंट्स वगैरह नज़र आने शुरू होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी वेबसाइट के अंदर ही। जैसे आप अगर बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, तो आपको अपने इंटरेस्ट, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो जो आपने चीज़ें देखी होती हैं वो उनको सेव कर लेते हैं। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम उस किस्म की वेबसाइट्स पर जाएंगे, तो उसी किस्म की, उसी कैटेगरी की आपको प्रोडक्ट्स को दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये सजेस्टेड कंटेंट, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, फिर वो इसी से बाकी जो हम पीछे हमने डिस्कस किया है ईमेल्स, न्यूज़लेटर्स का या इनका, तो वो क्या करते हैं कि उसी तरीके से फिर आपको उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें ईमेल भी होना शुरू हो जाती हैं, और या दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी आपको उसी किस्म के गूगल के थ्रू या
फेसबुक जो फेसबुक के अपने एड इंजन्स हैं वो उन कुकीज़ की मदद से आपको उसी तरह के एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है, इसके बाद जी आपको आपकी वेबसाइट जो है ना उसका ओवरऑल जो नेविगेशन सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए और कंटेंट इस तरह बनाया हुआ होना चाहिए, डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए जिस तरह आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने विजिटर के साथ, कि जिस तरह वो जो चीज़ जा देख रहा है। जैसे आजकल जब हम देखते हैं कि जैसे सिंगल पेज वेबसाइट्स आ रही हैं, वो इसी तरह होता है कि आप वो जानता है कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ पूछनी है, फिर आपने क्या पूछना है, फिर क्या आपको जस्तजू पैदा होगी, क्या चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारा नेविगेशन प्लान उसी तरीके से लेके चलता है। तो इसी तरह और क्या हो सकता है इसमें, और आपका आजकल आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट पे आपको लाइव ह्यूमन चैट की ऑप्शन भी मौजूद होती है, इससे भी एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूज़र ज़्यादा क्यूरीज ले सकता है, वो आपसे आपके जो ऑनलाइन एजेंट है जो लाइव बैठा हुआ है उससे बातचीत कर सकते हैं। अब ये लाइव चैट जो हैं वो बॉट बेस्ड भी होती हैं आजकल, तो उसके पीछे भी कंप्यूटर रोबोटिक आंसर कर रहा होता है, लेकिन ये होता यही है कि जो चीज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं चाहे वो ह्यूमन के साथ कर रहे हैं चाहे वो बॉट के साथ कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और आपकी आईपी भी जा रही है। तो इस तरह फिर क्या होगा कि जो साइट ऑनर है, जो वेबसाइट ऑनर है, जो बिजनेस है पीछे, वो इन तमाम डाटा से इंटरेस्ट आपको वही आपकी इंटरेस्ट आपकी इंगेजमेंट बढ़ाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पर आएंगे। तो ये चीज़ आप और क्या चीज़ इसमें रख सकते हैं, आप कमेंट्स एंड रेटिंग कर सकते हैं कि आप एक फोरम टाइप चीज़ अपनी वेबसाइट में डेवलप करते हैं जिसमें लोग आके कुछ डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं, कोई फोरम्स जिस तरह होते हैं, या कोई रेट कमेंट देना की इजाज़त दे दें आप, जिस तरह ब्लॉगिंग होती है या उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें क्या होगा कि लोग उसमें बार बार फिर आके अपने कमेंट्स के और आंसर्स लेंगे, आंसर देंगे, तो इस तरह एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे, इन और वहीं से उम्मीद है कि आपकी सेल्स भी होना शुरू हो जाए। तो हो गया, और इसके बाद कमेंट्स हो गए, फोरम हो गया, और इसमें अगर हम चीज़ देखना चाहें कोई तो क्या हो सकती है, हाँ एक और चीज़, आपकी वेबसाइट पर वेबसाइट को ना आपने अपडेट करना है सीजनल, जैसे कोई विंटर है, जैसे समर है, इस रिलेट इस इनको रिलेट करना है अपनी डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन को भी चेंज करना है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स को देखते हैं ना जो सेल्स ओरिएंटेड होती हैं, ई कॉमर्स बेस्ड होती हैं या सर्विसेज होती हैं या कोई भी, तो वो तमाम आने वाले इवेंट्स को भी कवर कर रही होती हैं, सीजन्स को भी कवर कर रही होती हैं, या कोई बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल आ रहा है, जैसे ईद के मौके पर आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर सिंपल ग्रीटिंग्स भी देखना शुरू कर देते हैं, या जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जो ज़्यादा एक्टिवली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की इजाज़त दे रही होती हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको उसी इवेंट से, ईद से रिलेटेड या रमज़ान से रिलेटेड या क्रिसमस से रिलेटेड या कोई भी चीज़ आ रही है तो उससे रिलेटेड ऑफर्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर जाते हैं तो क्योंकि उन्होंने फौरन तैयारी की हुई होती है कि आप विजिटर्स को कौन कौन सा कंटेंट पेश करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, तो वो इसको हम इवेंट बेस्ड एंगेजमेंट कहते हैं कि आपका जो आने वाला है इससे क्या होता है कि यूज़र ज़्यादा इंगेज होता है और उसे पता लगता है कि वेबसाइट लाइव है, डेड नहीं है, कौन इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं जो आपको ऑफर्स कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट शॉप की तरह और बिज़नेस की तरह आप लेके चलते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है, जैसे अब रमज़ान में अगर आप रमज़ान आता है तो आप अपना ओवरऑल कोई अपने पेज पे पॉपअप डाल दें जिसमें कोई रमज़ान से रिलेटेड कोई तस्वीर आ जाए, रमज़ान मुबारक आ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ऑनलाइन सेल्स वगैरह नहीं भी करते तो इस किस्म का एक पॉपअप बना देना है, या अपने लोगों को थोड़ा सा रमज़ान से रिलेटेड कर देना है, या ईद से रिलेटेड कर देना है, या ये जो क्रिसमस होती है इससे रिलेटेड कर देना, जैसे एक फेस्टिवल और या एक जो इवेंट आता है ब्लैक फ्राइडे का, पाकिस्तान में भी काफ़ी इन हो गया, तो उसमें आप देखते हैं कि तमाम जो ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं ऑनलाइन, उसमें आप देखते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट वो अरेंज करते हैं ऑनलाइन ऑफर्स के थ्रू। तो ये इस किस्म की चीज़ें आपने ख्याल रखना है अपनी वेबसाइट पर कि आप इवेंट बेस और सीज़न बेस कंटेंट डिज़ाइन करें और उसको पर वक्त ऑनलाइन करें। और इसमें गिफ्ट एंड कूपन सिस्टम भी आप डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट में जिससे लोगों को गिफ्ट्स मिल सकें,
स्मॉल सैम्पल ऑर्डरिंग हो सके, कोई कूपन्स आप फ्री दें जिससे वो डिस्काउंट कहीं और जाके अवेल कर सकें। तो इस किस्म के लालच में, इस किस्म की चीज़ों में आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकती है, एंगेजमेंट बढ़ सकती है। इसके अलावा और अहम चीज़ ई कॉमर्स के हवाले से एक और चीज़ कि आप क्योंकि जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो एक फैक्टर होता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग एट्रीब्यूट्स आपको ना ज़रूर देने, मुख्तलिफ फैक्टर्स फिल्टर्स आपने ज़रूर लगे हुए हों, जिससे लोग विज़िटर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस से प्राइसिंग को ऊपर नीचे करके, प्राइसिंग स्केल्स को, कलर्स को और डायमेंशंस को, मुख्तलिफ चीज़ें जो भी आप जिस किस्म चीज़ को आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स की मदद से प्राइसिंग ले सके यूज़र। ये एक बड़ा अच्छा चीज़ होती है जिससे लोग आके एटलीस्ट बार बार आके अपनी प्राइस रेंज ज़रूर चेक करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और सोशल शेयरिंग, जैसे आम सी चीज़ है कि आपकी वेबसाइट पर हर कंटेंट के नीचे, हर प्रोडक्ट या सेल्स के नीचे शेयरिंग के बटन्स हों, फेसबुक ट्विटर ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो आप वहीं पे आपके पास ये बटन्स मौजूद हैं जिससे आप कंटेंट शेयर कर सकें, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इस तरह की चीज़ें ये आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सोशल शेयरिंग। और फिर लास्टली हम देखते हैं कि FAQs लाजमी होने चाहिए किसी भी वेबसाइट पर। लेकिन जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है ना, तो उसकी दिमाग में जैसे जैसे वो ब्राउजिंग कर रहा होता है, तो उसमें कई किस्म के सवालात उसके जहन में आ सकते हैं, ख़ास तौर पे कि आपका जो बिज़नेस प्रोसेस है उसके मुतल्लिक़, कि आपकी कस्टमर केयर कैसी है, या तो उस एक जनरलाइज पैटर्न होता है हर चीज़, हर लोगों का, किसी भी जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें, तो उसमें अगर आप FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक ऑप्शन डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो वो क्वेश्चंस का डेटाबेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप कुछ अरसे में आपके तमाम सवालात के जवाब अपना ऑनलाइन आपके कस्टमर्स को वहीं से मिल जाया करेंगे, तो इससे बहुत एंगेजमेंट बढ़ती है। तो ये अभी आज की वीडियो के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं, कि इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये कि साइनअप्स, ऑर्डर फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म्स ये होने चाहिए, फिर न्यूज़लेटर सिस्टम, चैट सिस्टम, और आपकी मैंने और क्या डिस्कस किया, कम्युनिकेशन, आपकी जो वर्डिंग है, कंटेंट अरेंजमेंट है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर जो आपका रेटिंग सिस्टम, कमेंट सिस्टम, फोरम अगर आप उसमें डालें, फिर हमने इसमें डिस्कस किया सीजन्स एंड इवेंट्स, उनको कवर करें इसमें, फिर उसके बाद गिफ्ट्स एंड कूपन्स को हमने किया, फिर उसके बाद हमने और सोशल शेयरिंग, प्राइसिंग, एट्रीब्यूट्स, फिल्टर्स, इस किस्म की चीज़ें और FAQs। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें ये इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये बहुत अहम है। बहुत हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली एक टेक्स्ट बेस या एक बहुत ज़्यादा ग्राफिकल बेस वेबसाइट डेवलप करके दे देते हैं, लेकिन यूज़र जब आ रहा है, अब तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ऑनलाइन, इसमें एक कस्टमर बिहेवियर को पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि वो ऑनलाइन जाके क्या कर रहा है। अब तो ये भी हमें पता होता है कि स्क्रीन के किस हिस्से में ज़्यादा क्लिकिंग्स होती हैं, किस तरह, तो इसी तरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिहेवियरल अप्रोच आ चुकी है इसमें, और हम देख सकते हैं कि कस्टमर ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे वो टैबलेट की स्क्रीन है, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो उसका क्या बिहेवियर होता है, किस तरफ वो ज़्यादा ध्यान देता है, किस तरफ वो जाता है, और कौन कौन से एलिमेंट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे हम बाद में कोई अगर मैं लिस्ट बना सका तो और शेयर कर दूंगा। तो इन चीज़ों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखिए जो अपनी वेबसाइट बनाएं, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और बेल आइकॉन और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।